वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस ऐसा है कि अगर हम कुछ क्रूशियल स्टेप्स को फॉलो करके ना चले तो हमारे वो प्रोसेस को काफी लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है। आई हैव बीन मिक्सिंग फॉर द पास्ट 8 इयर्स और मैं इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करके चलता हूँ, जिससे मेरा वर्क फ्लो मिक्सिंग का बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ही स्मूथ रहता है। सो लेट्स चेक आउट 5 क्रूशियल थिंग्स जो तुम लोगों को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए व्हाइल यू आर मिक्सिंग। तो अगर आपके पास किसी ने स्टेम्प्स भेजे हैं मिक्स करने के लिए, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे भी स्टेम्प्स पड़े हैं, सो जिससे पहले हम इन स्टेम्प्स को अपने एबलेट लाइव में ड्रैग करें, अपने सॉफ्टवेयर में ड्रैग करें, उससे पहले सेशन टेम्पो डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये सेटअप करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग जब भी टाइम बेस्ड इफेक्ट्स यूज करेंगे लाइक डिले, रिवर्ब और भी अलग टाइप के इफेक्ट्स यूज करेंगे ऑटो पैन, दे विल बी एग्जैक्टली इन टाइम विद द टेम्पो ऑफ आर ट्रैक। सो वी विल हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर हम लोग अपना बीपीएम सेट कर लें। लेट्स कम इन हेयर, चेक आउट कि हमारे पर हमारा बीपीएम दे रखा है 98। We can set up 98 here. And अब हम लोग इन सारे stems को drag करेंगे यहाँ पर. So we can see, अगर हम drag करें इसको इस area में, in Ableton Live सारे tracks basically horizontally align हो जाते हैं, तो we have to press command जिससे वो vertically align हो जाए. And there you go. यहाँ पर हम आकर देखेंगे अंदर कि हमारे जो जितने भी tracks हैं उनका जो वेव फॉर्म है वो हमारे ग्रिड टू ग्रिड अलाइंड है कि नहीं है एक बारी वो जब लोड हो जाता है ना। अगर आपको स्टेम्स खुद ही एक्सपोर्ट करने या फिर किसी और को भेजने, सो वी कैन कम अप इन द सेशन एंड वील मेक श्योर ऑफ सेटिंग अप टू थिंग्स। एक तो चीज़ कि मास्टर ट्रैक पे कोई भी हमारे पास इफेक्ट्स हैं तो हम उसको ऑफ कर दें, और जब भी हम एक्सपोर्ट करने जाएं तो स्टार्टिंग और एंड लेंथ तक पूरे एक्सपोर्ट करें चीज़ों को, एंड वील मेक श्योर कि हमारा जो सैम्पल रेट है वो सही सेलेक्टेड है। जिस सैम्पल रेट में हमने अपने ट्रैक को बनाया उसी सैम्पल रेट को हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, सेम अमाउंट ऑफ सैम्पल्स हम लोग देना चाहेंगे किसी मिक्स इंजीनियर को, या फिर खुद एक्सपोर्ट करके हम लोग कहीं और मिक्स कर रहे हैं, किसी और डाओ में मिक्स कर रहे हैं। सो वील मेक श्योर कि हमारा सैम्पल रेट और बिट डेप्थ सही सेलेक्टेड है बिफोर वी एक्सपोर्ट दीज इंडिविजुअल स्टेम्स। एब्लेटन लाइव में हम लोग यहाँ पर आके ऑल इंडिविजुअल ट्रैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इसमें एक चीज़ रहती है कि ये ग्रुप्स को भी इंक्लूड कर देता है अपने स्टेम्स में। सो मेक श्योर जब भी हम लोग मिक्सिंग करने जाएं तो वी कैन डिलीट ऑल दोज ग्रुप स्टेम्स। नाउ अगर हमारा सेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, सो इट विल बी रियली प्रॉब्लमैटिक टू मिक्स बिकॉज कौन सी चीज़ कहाँ पर है हमें खुद नहीं पता, वो रीनेम नहीं है करेक्टली, और जितने भी साइलेंट पार्ट्स हैं वो कटआउट नहीं है। सो मेक श्योर वी कट आउट ऑल द साइलेंट पार्ट्स, जितने भी साइलेंट पार्ट्स उनको हम कटआउट कर दें जिससे हम क्लियरली देख पाएं कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट चल रहा है। एंड दिस हैज़ टू बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज इन ग्रुप्स जिससे हम लोग उनको प्रॉपरली प्रोसेस कर सकें साथ में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है मिक्सिंग प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम सेव करोगे टू नॉट यू नो वेस्ट सो मच टाइम इन फाइंडिंग आउट कौन से इंस्ट्रूमेंट के पे आके आपको प्रोसेस करना है चीज़ों को। एंड एट द सेम टाइम हम लोग जब ग्रुप्स में प्रोसेसिंग करते हैं मिक्सिंग करते वक्त, तो हम लोग कुछ टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को एकदम से नीचे कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअली प्रोसेस कर सकते हैं ड्रम्स को। तो ग्रुपिंग करना इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट मिक्सिंग। नाउ चौथा क्रूशियल स्टेप्स ये है कि हम लोग ऑलवेज प्रेफर करेंगे कि हमारे जो स्टेम्स में ऑलरेडी रिवर्ब ना हो, कि वो वेट स्टेम्स ना हो, वो ड्राई स्टेम्स हो। कभी भी हमारे पास ड्राई स्टेम्स होते हैं तो हमारे पास और ज्यादा कंट्रोल रहता है हमारे साउंड के ऊपर, क्योंकि इसमें अगर रिवर्ब ऑलरेडी प्रिंटेड होगा तो अगर हम प्रोसेस करेंगे उसको कंप्रेस करेंगे या फिर यू करेंगे तो रिवर्ब भी इफेक्ट होगा। सो वी वॉन्ट टू अप्लाई आवर ओन सेट ऑफ रिवर्ब, अनलेस आर्टिस्ट बोलता है कि मेरे को स्पेसिफिकली यही रिवर्ब चाहिए, तो यू कैन देन यूज अ वेट स्टेम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू यूज ड्राई स्टेम्स सो दैट वी हैव मोर कंट्रोल ओवर द साउंड, कि हम उसके रिवर्ब को स्पेसिफिकली अलग से मैनिपुलेट कर पाए। नाउ द फिफ्थ वन इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जो काफी लोग मिस आउट करते हैं और उसकी वजह से उनका प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, सो दैट इज बेसिकली गेन स्टेजिंग। गेन स्टेजिंग एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं बेसिकली मैनुअली चीजों को अप और डाउन लेवल करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक वोकल टेक है, लेट्स चेक इट आउट। इसमें मैंने इंडिविजुअली आके यहाँ पर सभी पार्ट्स को कट आउट करा है और जो भी चीज़ें कम और ज़्यादा हो रही हैं उसको मैं बैलेंस आउट कर रहा हूँ बाय इंक्रीजिंग द लेवल्स हेयर। मैं वेवफॉर्म को देख के ही डिटरमाइन कर सकता हूँ कि क्या लेवल है और क्या इसकी लेवल होनी चाहिए इन कंटेक्स्ट ऑफ पीछे से प्ले करके मैं देखता हूँ कि किस तरह से इसकी लेवल बन रहा है। बट इंडिविजुअली अगर हम जाके लेवल्स को ऊपर और नीचे करेंगे देन वी कैन इग्नोर यूजिंग समथिंग लाइक वोकल राइडर या फिर कोई भी कंप्रेशन के थ्रू हम लोग फोर्सफुली चीज़ों को सेम लेवल पर लेके आ रहे हैं। ये चीज़ बाद में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है और हमारे पास फुल कंट्रोल नहीं होता साउंड का। तो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप गेन स्टेजिंग करो वोकल्स का और इंडिविजुअल ट्रैक्स का
कट कर करके, स्पेशली वोकल्स का, क्योंकि वोकल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो कि वोकलिस्ट आगे और पीछे होके गा सकता है कभी कभार, तो आपके पास कभी भी मिक्सिंग के लिए प्रोजेक्ट्स आएँ तो उसमें गेन स्टेजिंग का इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ अगर आपको और जाना है वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में और आपको ढंग से सीखना है कि कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करा जाता है स्टेप बाय स्टेप, और कोई भी क्रूशल स्टेप मिस आउट ना हो जिससे आपको और ज़्यादा टाइम लगे या फिर एफर्ट लगे और एंड में जाके हम कोई ढंग का मिक्स और मास्टर निकल के ना आए, सो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। सो यू कैन चेक आउट दिस कोर्स, और इसमें स्टार्टिंग के दो लेसन आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं। सो यू जस्ट नीड टू गो साइन अप ऑन दिस पोर्टल एंड आप इजिली जाके उन दो लेसन को देख सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपको वो कोर्स बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं। सो अगर आपको भी लगता है कि 5 क्रूशल स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इंप्लीमेंट करने वोकल मिक्सिंग मास्टरिंग के टाइम पे, सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो चीज़ों को। विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।